चलिए आज हम लोग एक एक्सरसाइज मैं लाई हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड हैं, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होते हैं? जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, वो हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, जिनको हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। और डूइंग मतलब जो भी आप कार्य करते हैं वो डूइंग वर्ड कहलाते हैं। और इनको हम वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि क्रिया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। और ये जो आपके वर्ब्स होते हैं, डूइंग वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। इसमें जैसे ing लग गया, कहीं es लग जाएगा, कहीं s लग जाएगा, तो इस तरह से कहीं ed लग जाएगा। तो ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और या तो अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग, और या आपके किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे आपका है प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, ठीक है। तो अब इसको हमें पिक्चर से मैच करना है, तो इसमें हम देखेंगे कहाँ पे कौन सा पिक्चर जो है प्लेइंग वाला है। तो ये आपका प्लेइंग वाला पिक्चर है, तो इसको हम इससे मैच करेंगे, प्लेइंग। ये आपका यहाँ से मैच हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका रीडिंग, READING, रीडिंग। तो कहाँ आपको कौन सा पिक्चर दिख रहा है रीडिंग करता हुआ, ये बालक, ये बच्चा, ये बॉय, ये रीडिंग कर रहा है, इसको हम इससे मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है EATING, इसी तरह आप लोग पढ़ते हैं ना, कि जैसे कोई वर्ड आता है तो आप लोग इसी तरह पढ़ते हैं, ईटिंग। अब आपका कहाँ पे है, तो यहाँ ये देखो, ये खा रहे हैं, तो ये आपका ईटिंग, इसको हम इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट आपका है SLEEPING, स्लीपिंग। स्लीपिंग मीन्स सोना, तो हम पिक्चर सर्च करते हैं कहाँ पे कौन सो रहा है, भाई देखते हैं ये सो रहा है, ये बंदा सो रहा है, तो इसको हम स्लीपिंग से मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका, चलो स्लीपिंग वाले को यहाँ से यहाँ मैच कर देते हैं, स्लीपिंग। अब नेक्स्ट है आपका COOKING, कुकिंग। कुकिंग, तो देखते हैं कुकिंग कहाँ हो रही है, कुकिंग मीन्स खाना पकाना, ठीक है। तो खाना पकाना देखते हैं कहाँ हो रहा है, तो खाना पकाना आपका कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, ये हो गया आपका कुकिंग। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग। टॉकिंग मीन्स क्या होता है, बातें करना, टॉकिंग मीन्स क्या होता है, बातें करना, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, यहाँ पे ये दोनों लोग बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, तो ये हम टॉकिंग से मैच कर देंगे। और कोई वर्ड है, अब एक ये वर्ड बचा है DANCING, डांसिंग। डांसिंग मतलब डांस करना, तो इसमें देखें कौन सा डांस कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, कर रही हैं, सॉरी, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, ठीक है। डांसिंग, सारे जो हैं जितनी भी हमारी लाइंस हैं वो सब डांसिंग वाली ही बनी हुई हैं। आप लोग स्ट्रेट बनाइएगा, स्केल की हेल्प से आप इसको स्ट्रेट बनाइएगा। मैंने सारी जो जितनी भी लाइंस हैं वो डांसिंग वाली बना दी है। तो बच्चों, आपको ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये सारे जो आपके एक्शन वर्ड हैं इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, टॉकिंग, डांसिंग। जैसे सब में ING आप देख रहे हो कॉमन है, ING लगा हुआ है, सारे जितने भी वर्ड हैं आपके इसमें ING लगा है। और कहीं कहीं आप देखोगे ING नहीं लगा होता है, सिर्फ आपका इतना ही लिखा होता है, जैसे प्लेइंग है तो प्ले लिखा होगा आपका, रीड, ईट, स्लीप, कुक, है ना, और टॉक और डांस, इस तरह भी होता है आपका। तो ये सब क्या है, वर्ब है, ये सब क्या है, डूइंग वर्ड है। डूइंग वर्ड मतलब जो काम करने वाले शब्द हैं, जिनसे किस कोई भी वर्क करने का पता चलता है कि वर्क डन हो रहा है। तो ये क्या होगा, आपके सारे क्या कहलाएंगे, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड, या इनको हम
वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वर्ब भी कहते हैं, वी ई आर बी वर्ब्स, इनको हम वर्ब्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको हम? एक्शन वर्ड, ए सी टी आई ओ एन, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, और कौन से वर्ड कहते हैं? डूइंग, डू इंग, डी ओ आई एन जी, डूइंग वर्ड, इनको हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं, डूइंग वर्ड्स भी इनको हम कहते हैं। तो ये सब आपके एक्शन वर्ड थे और इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पे हम इस साइड में आगे हम और भी थोड़े से वो देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से जो है आपके डूइंग वर्ड हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपका, ये वर्ब्स है और डूइंग वर्ड है, ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, द वूमेन डांसेस। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ डांस में ई एस लग गया है, ठीक है, डांस में ई एस। और यहाँ पे आपने क्या देखा था, पहले क्या देखा था कि डांस में क्या लग गया था, डी ए एन सी ई, क्या लग गया था, आई एन जी लग गया था। तो जब हम आई एन जी लगाते हैं तो ई को हम रिमूव कर देंगे, तो क्या बना देंगे, डी ए एन सी। और जब हम आई एन जी लगाएंगे तो ई को रिमूव कर देंगे, ई को हटा देंगे, तो आई एन जी, डांसिंग। तो क्या हो गया था यहाँ पे, डांसिंग। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे ई एस लग गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई एन जी लग गया है, तो द वुमेन डांसेज, यानी कि इसका मीनिंग हो गया, वुमेन मीन्स औरत, डांसेज मतलब डांस करती है, नाच करती है, औरत नाचती है, सॉरी औरत नाचती है, क्या करती है, औरत नाचती है, नाचती, डांस मतलब नाचना और डांसेज मतलब क्या हो गया, नाचती है। अब यहाँ पे क्या है, द चाइल्ड ईट्स। अब ईट होता है और इसमें आप देख रहे हैं एस लग गया है, तो क्या हो गया, ईट्स। तो द चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, और अगर इसमें आर ई एन लगा देंगे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स हो जाता बच्चे, तो द चाइल्ड ईट्स, चाइल्ड क्या करता है, खाता है, क्या करता है, खाता है, खाता, बच्चा खाता है। और इस पहले अभी आपने देखा था कि ई ए टी और उसमें हमने आई एन जी लगा दिया तो ईटिंग हो जाता, अगर इसी के आगे हम लिख देंगे द चाइल्ड इज ईटिंग तो क्या होता है, बच्चा खा रहा है, ईटिंग यानी कि खा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे द बॉय गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल का क्या है, गोज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ई एस इसमें भी लगा दिया गया है, ई एस, गो मिस होता है जाना, गो मिस होता है जाना, और जब हम इसमें ई एस लगा देते हैं तो हो जाता है जाता, और इसके मीन्स होता है जाना, ठीक है। और इसी में गो में हम आई एन जी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, जा रहा है, जा रहा है, जाता है और जा रहा है, ठीक है। तो ये सब देखो वर्ब में थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, द बॉय गोज टू स्कूल, बॉय कहाँ जा रहा है, बॉय लड़का जो है कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सी रीड्स, अब इसमें भी आप देखेंगे रीड है और उसमें एस लगा दिया है, रीड मीन्स क्या होता है, आर ई ए डी, रीड मीन्स होता है पढ़ना, क्या होता है, रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स होता है पढ़ना। और इसमें जब हम एस ऐड कर देते हैं, आर ई ए डी, रीड्स, रीड्स मीन्स हो जाता है पढ़ता, पढ़ता, लेकिन ये लड़की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ती है, पढ़ती है, सी रीड्स, सी मीन्स वह पढ़ती है। तो ये आपके थे, देखिए किस तरह से डूइंग वर्ड आपके चेंज हो जाते हैं, कुछ कुछ उसमें लेटर लगा देते हैं। अब इन द एबव सेंटेंसेस, ऊपर, एबव मीन्स हम बार बार आपको बताते हैं, एबव मीन्स ऊपर, ऊपर के सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मीन्स होता है वाक्यों, वाक्यों, वा, वा में आ की मात्रा, आधा का या, और या पे ओ की मात्रा, वाक्यों,
इन द एबव सेंटेंसेस, ऊपर के वाक्यों में द कलर्ड, कलर्ड मतलब रंगीन, जो ये आपके देख रहे हैं कलर्ड हैं, पिंक कलर के हैं, ये देखिए ये सारे कलर्ड वर्ड्स मतलब रंगीन शब्द क्या, जैसे कि डांसेज हैं, ईट्स हैं, गोज हैं, तो रीड्स हैं, आर डूइंग वर्ड, ये सब क्या हैं, डूइंग वर्ड हैं, हैं। और द डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, और डूइंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, द डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब्स यानी कि क्रिया, क्रिया कहते हैं, ठीक है। दे टेल एस, दे मतलब वे, टेल टेल मतलब बताते हैं, अस मतलब हमें, व्हाट पर्संस क्या, पर्सन मतलब व्यक्ति, एनिमल्स यानी कि पशु, आर मतलब या, थिंग्स मतलब चीज़ें, आर डूइंग जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो पशु है और जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, तो ये जो एक्शन वर्ड हैं या डूइंग वर्ड हैं वो हमें बताते हैं, दे टेल अस व्हाट पर्सन एनिमल आर थिंग आर डूइंग, ये सब क्या कर रहे हैं, पर्सन क्या कर रहा है, एनिमल क्या कर रहा है या चीज़ क्या कर रही है, ये हमें कौन बताता है, डूइंग वर्ड बताते हैं, डूइंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब्स, दे टेल अस व्हाट पर्सन एनिमल्स आर थिंग आर डूइंग, ये सब क्या कर रहे हैं। फिर अब हम आगे देखते हैं, द कलर्ड वर्ड्स यानी कि कलर्ड मतलब रंगीन, वर्ड मतलब शब्द, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो ये आपके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए गए हैं, आर आल्सो वर्ब, ये भी आपके क्या हैं, जो कलर्ड वर्ड हैं ये भी आपके क्या हैं, वर्ब्स हैं यानी कि क्रिया हैं। तो आइए देखते हैं कौन से सेंटेंसेस हैं, इनको भी देख लेते हैं। द सन, सन जो है, सन मतलब सूरज, सेट्स, सेट्स मतलब क्या हो गया, सेट मतलब अस्त होना, सेट मतलब अस्त होना, अस्त होना या डूबना, अस्त होना, ठीक है। अब इसमें जब हमने एस ऐड कर दिया तो क्या हो गया, अस्त होता है, अस्त होता है हो जाएगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब और वेस्ट मतलब पश्चिम, तो जो सूरज है वो आपका कहाँ सेट होता है, सेट्स होता है, अस्त होता है पश्चिम में। द डॉग, कुत्ता यानी कि कुत्ता, बार्क्स, बार्क्स मतलब बी ए आर के, बार्क, बार्क मतलब भौंकना, बार्क मतलब भौंकना, ठीक है। और जब हम इसमें एस ऐड कर देंगे, बी ए आर के एस, एस ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भौंकता, क्या हो जाएगा, भौंकता, ठीक है। एस लगाने से ता हो जाएगा और ऐसे रहेगा तो भौंकना, तो कुत्ता जो है भौंकता है एट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, जिसको कुत्ता जानता नहीं है, अजनबी यहाँ लिख देते हैं, अजनबी, ठीक है, अजनबी, ठीक है। कुत्ता किसके ऊपर भौंकता है, अजनबी के ऊपर भौंकता है, जिसको वो जानता नहीं है उसके ऊपर, अजनबी मतलब जिसको हम जानते नहीं वो अजनबी कहलाता है। तो कुत्ता किसके ऊपर भौंकता है, जो अजनबी है उसके ऊपर कुत्ता भौंकता है। द चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा। अब ईट्स द ब्रेड, ब्रेड मीन्स ब्रेड जो आप लोग खाते हैं, रोटी कह लीजिए, ब्रेड कह लीजिए, तो ईट्स, ईट मतलब क्या होता है, ईट, ई ए टी, ई ए टी, ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना, और जब हम इसमें एस और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, खाता है, तो क्या है, बच्चा क्या खाता है, ब्रेड खाता है। द गर्ल मतलब लड़की, सिंग्स, सिंग्स मतलब, सिंग मतलब गाना, एस आई एन जी, सिंग, सिंग मतलब हो गया गाना, और जब इसमें हम एस ऐड कर देंगे, एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गाता, तो लड़की है तो गाती हो जाएगा। द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, लड़की क्या गाती है, गाना गाती है, लड़की क्या गाती है, लड़की गाना गाती है। द क्लाउड्स अपेयर इन द स्काई, अपेयर मतलब दिखाई देते हैं, अपेयर मतलब दिखाई देना या दिखाई देते हैं। द क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल, यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बादल हैं, तो द क्लाउड्स अपेयर इन द स्काई, अपेयर मतलब दिखाई देना, दिखाई देना या दिखाई देते हैं, तो बादल कहाँ दिखाई देते हैं, स्काई में, आकाश में दिखाई देते हैं।
द बॉय डज नॉट रीड, रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। द बॉय डज नॉट रीड, जो लड़का है वो नहीं पढ़ता है। लड़का क्या नहीं करता है, डज नॉट, लड़का नहीं पढ़ता है। ठीक, तो ये सब आपके क्या थे, ये सब आपके एक्शन वर्ड थे, डूइंग वर्ड थे। इनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, इन सबको हम वर्ब कहते हैं।